करना प्रभु का स्वभाव होता है। उपकार करना प्रभु का स्वभाव होता है, लेकिन विनय करना यह शिष्य हृदय का स्वभाव होता है। गौतम का विनय था और परमात्मा का उपकार था। गौतम का विनय था और परमात्मा का उपकार था, और ये दोनों जब संयोग में आए तब सृजन हुआ शास्त्रों का। यदि गौतम का विनय न होता तो भी शास्त्रों का सृजन नहीं होता, और परमात्मा का उपकार नहीं होता ना तो भी नहीं होता। ध्यान प्रिय ज्ञान, आगमों का ज्ञान, सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान, जब कोई सीखता है ना तो हम उससे कहते हैं कि फल की टोकरी ले जाता है। जब कोई सीखता है तब हम कहते हैं कि वो फल की टोकरी ले जाता है। लेकिन पुण्यवान कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुट्ठी भर बीज ले जाता है। सोचो, टोकरी भर फल और मुट्ठी भर बीज में फर्क क्या होता है? फर्क होता है, फर्क होता है क्या? टोकरी भर फल के अंदर में जितने फल है उतने खा लो, फिर कुछ नहीं। लेकिन मुट्ठी भर बीज को यदि बो दे और उसी के ऊपर यदि मेहनत करे तो एक बीज से कई वृक्ष, कई फल, और मुट्ठी भर बीज से तो बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। बस गणधरों में और हमने फर्क इतना ही है,
गणधर में और हम में फर्क इतना ही है। गणधर महावीर के पास मुट्ठी भर बीज ले जाते हैं और अपने विनयी भाव से उसका सिंचन करते हुए 32 शास्त्रों का सर्जन कर देते हैं। महावीर उसे सिर्फ 3 बीज देते हैं, उपन्नेवा, विग्नेवा, द्वेवा। महावीर ने सिर्फ 3 शब्द कहे और गणधर ने उसमें से पूरे के पूरे शास्त्रों का सर्जन कर दिया। और हम उसी शास्त्रों में से थोड़े फल लेकर उसकी टोकरी लेकर जा रहे हैं। अच्छा है, फल खाने को तो मिलता ही है, लेकिन हमारी विनयी भावना इतनी श्रेष्ठ हो जाए, हमारी विनयी भावना इतनी श्रेष्ठ हो जाए जितनी गणधर भगवंतों की हो। और गणधर उसे ही कहा जाता है जो भगवान के अनन्य विनयी, अनन्य निर्विकल्प विनय से बने हुए शिष्य होते हैं। इसलिए याद रखना, गुजराती में आवे नहीं, विनय थी विद्या वदे च। क्या आता है गुजराती में? विनय थी विद्या वदे च। आइए सोना है ना तो भी विनय चाहिए, बिना रिस्पेक्ट और बिना विनय के आप आईएएस नहीं हो पाते। शास्त्रों के जानकार बनना है ना तो भी आपको विनय और रिस्पेक्ट ही करना पड़ता है। और वर्ल्ड के उन सभी ज्ञानी लोगों को आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक जबरदस्त रिस्पेक्ट होगा। बस आगम को हमें सीखना है, आगम को हमें जानना है, आगम को हमें पढ़ना है। लेकिन ये तो स्थानकवासी परंपरा में फिर भी आगमों को पढ़ने की छूट है, बाकी की परंपराओं में नहीं होता। कई तपस्या करनी पड़ती है, कई जोग करने पड़ते हैं, कई प्रकार की साधना करनी पड़ती, तब उन्हें आचारंग श्रीगणांग आदि शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति दी जाती है। हमारे में भी ये परंपरा है कि शास्त्र का वाचन करने से पहले अमुक तपस्या की जाए। इसीलिए जब वो गुरु के पास से आज्ञा लेते हैं ना, तब गुरु से सामान्य आगम जिसमें तपस्या की ज्यादा जरूरत नहीं वो पढ़ने के लिए यूं ही आज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब कोई विशिष्ट आगम पढ़ना होता है तब वो तपस्या करके ही उसके समय में ही पढ़ते हैं। जैसे भगवती सूत्र के अमुक सूत्र अमुक अधिकार है तो वो दोपहर के पहले ही पढ़ लेने पड़ते हैं, तपस्या करके ही पढ़ लेने पड़ते हैं, छठ की आराधना करके पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी विधि हैं। इसलिए आप अपनी ओर से डायरेक्ट आगम वाचन मत करना। हाँ, उपासक दशांग सूत्र जो भगवान की वाणी है, जो उपासकों की लाइफस्टाइल है, वो आप कभी भी पढ़ें नो प्रॉब्लम। वो कोई भी पढ़े नो प्रॉब्लम, वो आराम से पढ़े नो प्रॉब्लम, इसमें कोई। लेकिन बाकी का कोई भी आगम आपको पढ़ना है तो ठीक है, ऊपर ऊपर से नजर डाल दी बात अलग, लेकिन पढ़ना है, सीखना है, समझना है तो आपको उपदान करना है, आपको उसके जोग करना है, आपको उसकी तपस्या करनी है और साथ में विनय भाव रूप वंदना करनी है। जैसे विनय बढ़ गया ना तो आपके लिए एक लाइन भी बीज बन जाएगी, वरना 32 आगम भी आपके लिए सिर्फ फलों की टोकरी बन जाएगी। भगवान ने कहा है कि हमें हमारी क्षमताओं को कभी भी परमत्ता में, प्रमाद में व्यस्त नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी क्षमताओं को पुरुषार्थ में परिवर्तित करते हुए या आराधना करें या प्रभावना करें। क्या करें? आराधना खुद की होती है और प्रभावना सर्व की होती है। हम शास्त्र को पढ़े और पढ़ने के बाद जो भी पढ़ा है उसमें से 10 मित्रों को, 2 और लोगों को, 2 पड़ोसी को सिर्फ इतना ही कहे कि हमारे में जैन शास्त्रों में ये बात आती है, हमारे में हमने आज ये पढ़ा था, हमारे भगवान महावीर ने आज ये कहा है, तो हम हमेशा के लिए आराधना और प्रभावना का कॉम्बिनेशन रखें। आराधना स्वयं के लिए करें और प्रभावना सर्व के लिए करें। आराधना स्व के लिए करें और प्रभावना सर्व के लिए करें। आगम वाचन करना, शास्त्रों की बातों को जानना, ये आपकी खुद की आराधना है, लेकिन साथ में प्रभावना भी करनी है।
लोगों में परमात्मा के ज्ञान का प्रभाव बढ़ाना है, उपकार बढ़ाना है, भाव बढ़ाना है और लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव लाना है। ट्राई करो, दो लाइन तो दो लाइन, चार लाइन तो चार लाइन, जितना भी जाने उतना हम दूसरों को समझाएंगे। आज इन 32 आगमों के सब्जेक्ट में किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बोलो। नितिन भाई हेमाणी बोलो। ગુરુદેવ, ભગવાન મહાવીરનું શાસન 21,000 વર્ષ છે, તો છઠ્ઠા આરામાં કોઈ ભગવાનનું શાસન નહીં હોય? ના, છઠ્ઠા આરામાં અને પછી આવનારા બે આરામાં ભગવાનનું શાસન પાંચમા આરાના લાસ્ટ દિવસે વિચ્છેદ જશે, ફિનિશ થઈ જશે। પછી છઠ્ઠા આરામાં કોઈ સાધુ નહીં હોય, कोई साध्वी नहीं होए, कोई श्रावक नहीं होए, कोई श्राविका नहीं होए, एक पण प्रकार नो धर्म नहीं होए, न जैन हसे न बीजो कोई हसे। त्यार पछी दुष्काळ जेवो वातावरण हसे, पछी फरी पाछो पेलो वारो आवशे ए पण एवो ज हसे, पछी पाछो बीजो वारो आवशे ए पण एवो ज हसे, पछी पाछो ज्यारे त्रीजो वारो त्यारनो स्टार्ट थवानो हसे त्यारे જોરદાર પવન થશે, 49 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ વરસાદ થશે, ત્યાં સુધી વરસાદ પણ નહીં હોય, અને 49 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ વરસાદ થયા પછી પૃથ્વી ઉપર નન્નના અંકુરા ફૂટશે, ગ્રીનરી થશે અને લોકો એ દિવસે ધર્મની શરૂઆત કરશે અને એને સંવત્સરીનો દિવસ કહેવાય છે। ચોમાસું સ્ટાર્ટ થાય એના 49મા દિવસે સંવત્સરી આવે છે, એમ એ દિવસે પણ 49 દિવસથી કન્ટિન્યુ વરસાદ થશે અને પછી ધર્મની શરૂઆત થશે, ત્યાં સુધી ધર્મ વિચ્છેદ હશે અને જે ધર્મની શરૂઆત થશે ત્યારે ત્યારના પ્રથમ તીર્થંકરોનું આગમન થશે। લતાબેન આપને સાચા હોય તો મને એક શંકા છે કે એક બાજુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભગવાને ત્રણ શબ્દ આપ્યા, એ બીજને આધારે ગંધર્વોએ રચના કરી, અને બીજી બાજુ એમ પણ સાંભળ્યું કે છેલ્લા 48 કલાક ભગવાને ઉત્તરાચન સૂત્ર આપ્યું, એ પેલા 10 કલાક વગેરે વગેરે, તો શબ્દ અને આ બાજુ આ બધું। યસ, જાણ પાસે અજાણ રહીને તત્વ લેવું તાણી, જાણ પાસે અજાણ રહીને તત્વ લેવું તાણી। જ્ઞાની હંમેશા બાળક હોય છે, અજ્ઞાની હંમેશા બાપ હોય છે, જ્ઞાની હંમેશા બાળક જેવો હોય છે અને અજ્ઞાની હંમેશા અહંકારી હોય છે। ગૌતમ સ્વામી આદિ ગંધર્વોને ભગવાને ત્રણ શબ્દો આપીને એ જ સમયે તમામ શાસ્ત્રો રચી શકે ને એવી ક્ષમતા આપી દીધી, રચના પણ થઈ ગઈ, પરંતુ ત્યાર પછી પણ ગૌતમ સ્વામીએ, સુધર્મા સ્વામીએ ક્યારેય પણ પોતાને પ્રગટ થયેલા જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કર્યો, એ હંમેશા ભગવાન પાસે જતા, ભગવાન પાસે બેસતા, ભગવાન પાસે પ્રશ્નો પૂછતા, ભગવાન સમાધાન આપતા, અને એવી રીતે પોતાના આત્માની નમ્રતા, સરળતા, શાંતિ, સંતોષ આ બધા ગુણોને પ્રગટ કરતા, અને એટલા જ માટે પ્રભુએ તો ત્રણ શબ્દમાં આગમ આપી દીધા હતા, પરંતુ આ બધા જ ગણધરોએ ભગવાનના છેલ્લા દિવસ સુધી ભગવાન પાસેથી વધારે સાંભળવાનો પ્રયત્ન કર્યો, સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને તેના દ્વારા જગત આખાને જે જે પ્રભુ પાસે આવતા હોય તેમને દરેકને પ્રભુનો બોધ સાંભળવા મળે એવી સ્થિતિઓનું સર્જન કરી દીધું। એટલે બંને વાત સાચી છે
કે ત્રિપદીમાં તમામ શાસ્ત્રો રચાઈ ગયા હતા, પણ છતાં ગૌતમ આદિનો વિનયભાવ એવો હતો કે તે વારંવાર પ્રભુ પાસેથી ગ્રહણ કરતા હતા. અને એટલે જ ક્યારે પણ જે સબ્જેક્ટ તમને આવડતો હોય ને, માનો કે છકાઈના બોલ તમને આવડતા હોય, અને જ્યારે ગુરુ પાછા બીજી વાર શીખવાડે ને, તો બીજી વાર વારંવાર શીખવું જોઈએ. નહીં તો અમને આવડે છે એમ ક્યારેય ન કહેવું, કેમકે જ્યારે શીખવાડશે ને ત્યારે તમને નવા 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 કેટલાય રહસ્યો સંભળવા મળી જશે. કેમ કે ગુરુનું જ્ઞાન અગાધ હોય, પ્રભુનું જ્ઞાન અગાધ હોય, અને તમે સમજ્યા હો ને એ તો માત્ર થોડા બિંદુ જ હોય. ઓકે જી ગુરુદેવ. વિધિ કામદાર, કોલકાતા. આપે કીધેલું કે ભગવતી સૂત્રના અમુક અધ્યયનને વાંચવા માટે આપણને છઠની આરાધના કરવી પડે કે કોઈ તપસ્યા કરવી પડે, તો એવું કેમ છે કે કોઈ ભી વસ્તુ વાંચવા માટે આપણને તપસ્યા કરવી પડે? યસ, વેરી વેરી ગુડ. કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવી હોય ને, એની પહેલા આપણે એની માટે ભોગ દેવો પડે. ચાવલ તેરે હાથ મેં ડાયરેક્ટ દિયે જાય, તું ખા લે તો તું નહીં ખા પાએગી, ઉસકો પહેલે પકાના પડતા હૈ, તબ વો આપકે ખાને કે યોગ્ય બનતે હૈ. ઉસી પ્રકાર સે સૂત્ર કા જ્ઞાન ભી એસા હોતા હૈ કે ઉસકો પહેલે પકાના પડતા હૈ. કકડી કો યુંહી ખા સકતે હમ, લેકિન દૂધી કો ડાયરેક્ટ નહીં ખા સકતે, उसको पकानी पड़ती है. अंडरस्टैंड? आप एप्पल को डायरेक्ट खा सकते हो, वो भी खाने की चीज है, और गेहूं को भी खा सकते हो, लेकिन गेहूं को खाने से पहले आपको उसको पकाना पड़ता है. इसी प्रकार से शास्त्रों में कई ऐसे कठिन तत्व हैं जिसको पहले तपस्या से पकाया जाता है और फिर बाद में ही उसका उपयोग किया जा सकते हैं. इसी प्रकार से कई शास्त्र ऐसे जिसको तपस्या करने के बाद जब हम पढ़ते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं, उसके बिना हम उसको समझ नहीं पाते हैं.